अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम लोग भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हैं। तो ये है जी 1 जनवरी का दिन, ये शाम का टाइम है और हम लोग आए थे होम मार्ट ग्रॉसरी करने के लिए आए हुए थे। तो जी मैं थी, मम्मा थी और बस हमने जी ग्रॉसरी करनी थी। और जब भी हम लोग ग्रॉसरी करने आते हैं ना, तो हम लोग ये जो इनका क्रॉकरी का सेक्शन होता है ना, यहाँ पर लाजमी आते हैं। और जब हमने ले लिया सब कुछ, तो उन्होंने हमें एक गिफ्ट दिया। और गिफ्ट तो बड़ा ही, मतलब पैक ऐसे किया हुआ था कि जैसे पता नहीं कितनी स्पेशल चीज़ होगी। बट इसके अंदर क्या था जी, इसके अंदर था कोका कोला का ग्लास, जो शायद इन लोगों ने ज़्यादा स्टॉक उठाया होगा तो कंपनी की तरफ से इनको फ्री में आया होगा। तो उसी को, उस ग्लास को इन्होंने ना अच्छी तरह से पैक करके तो वो गिफ्ट में दे दिया, जैसे पता नहीं कितनी कोई स्पेशल चीज़ होती है। बट खैर है, तो ये था जी गिफ्ट। और मैं आपको बता रही थी कि मैं हमेशा क्रॉकरी सेक्शन पे लाजमी आती हूँ और कुछ ना कुछ लेती हूँ। हॉलमार्क की क्रॉकरी बहुत अच्छी होती है, थोड़ी सी एक्सपेंसिव ज़रूर होती है। मतलब बाहर से अगर हम लोग होल सेल में या लाहौर वगैरह से कहीं से लें तो इन चीज़ों के प्राइस थोड़े कम होते हैं, यहाँ पे थोड़े से ज़्यादा होते हैं। बट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। और अब ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग 2 जनवरी का ये व्लॉग है, मतलब ये आज का ही व्लॉग है। तो जैसे ही सुबह सुबह हम लोग उठे तो बच्चे जो हैं ये जाग रहे थे और अपने कॉटन से बाहर निकलने की फुल कोशिश कर रहे थे। अब माशाल्लाह से बड़े हो गए हैं तो अब पूरी कोशिश करते हैं कि हम किसी तरह से बाहर आ जाएं। और अच्छा, मेरे साथ ना बेड पर आकर ये बहुत खुश होते हैं और माशाल्लाह इतने प्यारे हो गए हैं, बिल्कुल मफिन और मिनी का मिक्सचर है। और मुझे ना बच्चों की ये एज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये इनकी ग्रोइंग एज होती है, ये लर्निंग एज होती है। किटन्स जो हैं इस टाइम सीख रहे होते हैं। और अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि आप किटन को लिटर ट्रेन कब से करवाती हैं। तो जब किटन्स जो हैं वो 3 वीक्स के हो जाते हैं ना, तो आप उनको लिटर ट्रेनिंग करवा सकते हैं। अब ये जो बच्चों की एज है, आप इनको करवा सकते हैं इस टाइम पर। आज हमने इनको नीचे अब शीट चेंज करके वाइट वाली रख दी है और इनकी मम्मा भी आ गई हैं, सारा दिन सारी रात दूध पिलाती रहती हैं बच्चों को। और बच्चे भी माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारे हो गए हैं। और अब ये इंशाल्लाह इसके बाद अब मिनी के और बच्चे नहीं हमने करवाने। तो जी अभी तो हम लोग फिर अब सुबह चले गए थे डॉक्टर के पास, क्योंकि अभी ये है इस टाइम 10-11 बजे का टाइम है और हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मैक्स बीमार था। मैक्स को ना कान का इन्फेक्शन हुआ हुआ है, एयर इन्फेक्शन है। तो वो हमने डॉक्टर को ज़रा चेक करवाना था और एंटीबायोटिक वगैरह भी लगवाना था। फीवर वगैरह उसको नहीं है, पहले 1-2 दिन हुआ था लेकिन वो मेडिसिन से ठीक हो गया था। बट शुक्र है अल्लाह का, काफ़ी स्टेबल है। थोड़ा सा इन्फेक्शन है, वो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। तो हम मैक्स को ले आए थे डॉक्टर के पास और डॉक्टर जो है उसको अच्छी तरह से चेक कर रहे हैं। और ये है जी छोटा मैक्स, ये छोटी मिनी का भाई है। और ये बहुत ही प्यारी सी किटन थी, इसका नाम था बेला। और बिल्कुल नूर जैसी है ना, बस कलर का डिफरेंस है। और ये डॉक्टर के पास जो है कोई बोर्डिंग के लिए देके गया था। अब जिनको बोर्डिंग का नहीं पता, वो ये है कि अगर किसी फैमिली मेंबर्स ने कहीं आउट ऑफ सिटी जाना हो या कहीं शादी में जाना हो, तो वो फिर छोड़ जाते हैं अपने कैट्स को जहाँ पे बोर्डिंग होती हो, जो रखते हों। डॉक्टर जो है उन्होंने अपने पास इसको रखा हुआ था और इतनी ये कोई प्यारी थी ना। वो कान में लगाए, उसका इशू तो नहीं है कोई? अच्छा, इसकी वजह से कोई स्वाप नहीं होगा, एक या दो दिन कम से कम लगा रहे हो जब तुम स्कार भी बनता था वैसे वहाँ से रखोगे फिर आप ड्रॉप शुरू कर। बेला, डॉक्टर साहब बेला की एज कितनी है? बेला 4 मंथ है। बेला बहुत प्यारी है, वैक्सीनेटेड है, तुम्हें पहले की हो, बहुत प्यारी है। बिल्कुल नूर है ना, छोटा नूर है, छोटी नूर है ना।
बैग्स बैग्स सिक्स मंथ्स मैक्स मैक्स को हमने चेक करवा दिया है और अब हम लोग घर जा रहे हैं। और जो लोग मुझसे पूछते हैं बार बार कि मैं अपनी कैट्स को कौन सी फीड देती हूँ, तो मैं रेफ्लेक्स देती हूँ, लेकिन आजकल वो बहुत मुश्किल से मिल रही है, तो वो जो है ना वो मेरी कैट्स को बहुत सूट करती है। कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि आप में से कौन कौन से लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों का नाम लूं, क्योंकि मुझे हर वीडियो में कमेंट्स आते हैं और काफ़ी सारे आते हैं कि आप हमारा भी नाम लें, हमारा भी नाम लें, हमारी कैट्स का नाम लें, इतने सारे नाम होते हैं। तो मैंने सोचा कि एक ऐसी स्पेसिफ़िक वीडियो बनाती हूँ आपके लिए, ताकि आप लोग जो है ना आप लोग भी नाराज़ ना हों और मैं भी आपकी वीडियोस अपनी वीडियोस में आपका नाम ले लूं। क्योंकि मैं नाम इसलिए नहीं लेती थी, अगर मैं किसी एक का नाम लूं ना तो फिर बाकी भी सब नाराज़ होते थे कि आप हमारा नाम नहीं ले रही हैं, और मेरे लिए डेली बेसिस पे सबका नाम लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिर यू नो सारी वीडियोस मेरी जो है ना वो इसी में ही गुजर जाएंगी। तो इसलिए आज की वीडियो में मैं आप लोगों के नाम लूँगी। पहले तो आप सबको बहुत 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 दिल से थैंक यू, आप लोग इतना प्यार करते हैं मुझसे, मेरे हस्बैंड से, मेरे बच्चों से, आप लोग अब मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं। और जिन जिन लोगों ने मुझे कमेंट्स में अपने नेम्स लिखे हैं, मैं उनके नाम लूँगी जो मुझे मिल गए, क्योंकि मैंने लाइक कर दिए थे, लेकिन अभी मैंने दोबारा वीडियो खोली है और उसको देखकर मैंने यहाँ पे सारे नोट किए हैं, नेम्स ये भी हैं और मैंने ये भी नोट किए हैं सारे नेम्स। अगर कोई रह गए हों तो उसके लिए माजरत, फिर नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं नाम लूँगी सबके। और जिनके मैं नाम नहीं भी ले रही, जिन्होंने नहीं भी बोला, उन सबको भी बहुत थैंक यू, क्योंकि मुझे पता चलता रहता है, बहुत सारे मेरे रेगुलर जो हैं मेरे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे डेली बेसिस पे कमेंट्स कर रहे होते हैं, मैं सबके कमेंट्स पढ़ रही होती हूँ। रिप्लाई मैं ज़्यादातर लोगों को नहीं कर पाती क्योंकि मैं अकेली जान हूँ, वीडियो एडिटिंग इज़ यू नो वेरी 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 टाइम टेकिंग काम होता है ये बहुत ज़्यादा, तो एक तो वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग काम होता है, वीडियो बनाना, फिर यू नो घर को संभालना, घर के काम करना, बच्चों की टेक केयर करना, घर की क्लीनिंग का बहुत ख्याल रखना, अपनी भी केयर करना, तो इसीलिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है मुझे सबके लिए रिप्लाई करना, लेकिन मुझे जितना पॉसिबल होता है मैं कर देती हूँ। अच्छा, तो मैंने नाम लिख लिए हैं, मैं नाम लेती जाऊँगी और जिन जिन के नाम हैं वो आप लोगों को पता चलते जाएंगे। तो ये मेरी तरफ से आप सबके लिए एक शाउट आउट है, एक मेरा प्यार है। तो आप सब कहते थे ना कि आप हमारा नाम लें, आप ही नाम लें, मैं इसलिए नाम नहीं लेती क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में एक का नाम लूँगी तो फिर बाकी नाराज़ होते हैं कि आप हमारा नाम क्यों नहीं लेती हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें मैं आप लोगों के नेम्स लूँ, तो आप लोग भी नाराज़ ना हो और मुझे भी ईजी हो जाए नाम लेना भी सबका। सबसे पहले तो हैं हरीम, और हैं मरियम, वकार अहमद, सुदेसा साकिब, आई थिंक सुदेसा नाम है आपका, सुदेसा साकिब, फरदा, आलिया, हरमीन खान, और जी हैं एक हैं वकास, फिर एक है मेरी सब्सक्राइबर नौशीन, और आपकी कैट्स जो हैं आपने बोला था उनको भी, उनके लिए भी बहुत बहुत प्यार, मिली, टॉम एंड ओरियो, शहाब, मारिया, सरफराज और मारिया खान खलील, ये मेरी रेगुलर मुझे ये कमेंट्स करती हैं, आप बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। अच्छा, और हैं एक बनीस गेमिंग, इनकी कल बर्थडे थी 1 जनवरी को, तो हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। कल की वीडियो में मैंने आपका कमेंट नहीं देखा था, तो मैंने आज देखा है, तो मैं आपको आज विश कर रही हूँ। और हैं जी वानिया, सादिया, इशाल, अलीशा जावेद एंड सैम गिल,
अब ये आई थिंक ये पता नहीं मुझे तो रबिया लग रहा है लेकिन पता नहीं राबिया है या रबिया है, रबिया निज़ामी, और इनकी कैट्स हैं मून एंड नूर। बहुत बहुत प्यार आपको भी और आपकी कैट्स को भी। और एक है मोमू माओ, गुलशन आरा फरीद, अनीश चौधरी, नदीम, शफिया जाहिद, मुनीब शाहिद, आयशा खान, मरियम आसिफ, सिमरा खान, यशाब खान, आयशा, और हैं रोहान वसीम, और एक है नायला नवाज, और उनके बच्चे हैं हायका, अब्बास, जैनुल आबिदीन, यूसुफ, और उनकी कैट है ब्राउनी। तो आप सब सब्सक्राइबर्स को और जिनके नाम मैंने लिए हैं जिनके नहीं लिए उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत थैंक यू। अब आप लोग मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं और इसी तरह से हमेशा हम लोगों की वीडियोस को लाइक करते रहें। और जो लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरी वीडियोस देख रहे हैं, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ आप भी मेरी वीडियोज़ को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरा कॉन्टेंट अच्छा लगता है तो। अच्छा तो बेबीज़ भी ठीक है माशाल्लाह से, और जिन लोगों के नाम रह गए हैं जो मुझसे मिस हो गए या जिनका मुझे कमेंट नहीं मिला तो वो फिर मैं अब नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट मंथ में कोई वीडियो बनाऊंगी और जिन जिन लोगों के नाम लेने होंगे तो मैं ले लूँगी। आई होप अब आप लोग मेरे से नाराज़ नहीं होंगे। सो यस मिनी, तो बस ये आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मिनी कम हियर, मिनी कम हियर।